हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप सभी से बीएड प्रवेश परीक्षा। जी गाइस, बीएड परीक्षा पर विशेष खबर क्या आ रही निकल के, आपको बता दें बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के अटकलें जारी हैं। जैसा कि 9 अगस्त को पूरी तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है, आज 5 अगस्त है, ऐसी सिचुएशन में अभी कंडीशन नहीं बन पाई है कि क्या परीक्षा होगी या नहीं, परीक्षा तिथि में हो सकता है बदलाव। जी गाइस, अब भी जो है चांसेस हैं। लोगों ने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और ऐसे में परीक्षा को टालने की बात कही गई है। तो वीडियो में डिटेल में बात करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप चैनल पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए, क्या है पूरी बात बीएड को लेकर के, हम देखते हैं गाइस। जी गाइस, क्या बीएड की परीक्षाएं होंगी या पूरी तरीके से बदलाव किया जाएगा परीक्षा तिथि में। गाइस, यहां से आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे, जैसा कि जी गाइस 9 अगस्त को होनी है परीक्षा, मेरिट के आधार पर प्रवेश। जी गाइस, मेरिट के आधार पर प्रवेश देने की मांग की जा रही है। अब देखना है कि मेरिट के अकॉर्डिंग कैसे प्रवेश परीक्षाएं आपका एडमिशन होगा। बीएड प्रवेश परीक्षा टालने को शिक्षक संघ ने लिखा उप मुख्यमंत्री को पत्र। जी गाइस, शिक्षक संघ ने उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जैसा कि ये लखनऊ माई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपको बता दें, यहाँ पर COVID-19 को लेकर के जो सिचुएशन है, कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि कैसे वो एग्ज़ाम देंगे अभ्यर्थियों के साथ ही। अब शिक्षक भी लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से 9 अगस्त को कराई जाने वाली बीएड परीक्षा के आधार, जी गाइस, परीक्षा के विरोध में उतर आए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय संयुक्त कॉलेज शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मौजूदा परिस्थितियों का हवाला देते हुए प्रवेश परीक्षा टालने का अनुरोध किया है। अब ऐसे में अगर ये तिथि टलेगी तो चौथी बार जो है, तीसरी बार टालेगी और चौथी बार कोई डेट डिक्लेयर की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें, संगठन ने इस बार बीएड दाखिले की लिखित परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर कराने की मांग की जा रही है, और यही कहीं ना कहीं लास्ट में सभी छात्रों को लेकर के यही बात निकल के आएगी। आपको बता दें कि जिसकी मेरिट अच्छी होगी वो गवर्नमेंट कॉलेज में ज़रूर एडमिशन लेगा। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार लगभग 4 लाख, जी गाइस, लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। संघ आने वाले अभिभावकों की संख्या को मिलाकर लगभग 10 लाख के ऊपर होगी। ऐसे में COVID-19 के प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं होगा। संगठन की कहीं ना कहीं जो भी बातें हैं, अगर बात करें संगठन, जी गाइस, संगठन के डॉक्टर महामंत्री डॉक्टर अंशु केड़िया के द्वारा के अनुसार, संयुक्त, जी गाइस, राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पिछले सालों में आवंटित सारी सीटें नहीं भर पा रही हैं। सीट भरने के लिए कई बार काउंसलिंग करनी पड़ रही है। ऐसे में लखनऊ विश्वविद्यालय का जो दावा है, परीक्षा में रहेगी पूरी सावधानी। जी गाइस, लखनऊ विश्वविद्यालय कह रहा है कि सावधानी, हम पूरी तरीके से परीक्षा के वक्त बरतेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय VC प्रोफेसर आलोक कुमार, जी गाइस, प्रोफेसर आलोक कुमार राय के अनुसार अभ्यर्थियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार शासन जिला प्रशासन के साथ तालमेल बनाते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय अभ्यर्थी अर्थात लखनऊ विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों की सुरक्षा के प्रयास कर रहा है। प्रोफेसर राय के अनुसार पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को अनावश्यक यात्रा करने से बचाने के लिए अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के परीक्षा केंद्र के निकटतम जनपद को दोबारा चयनित करने की ऑनलाइन सुविधा दी गई थी। परीक्षा केंद्र में सैनिटाइजर हैंड वॉश की व्यवस्था होगी। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं हम सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय अभी तक पूरी तरीके से एग्ज़ाम को लेकर के कोई ऐसी न्यूज़ नहीं दी है जिसको टालने वाली बात हो। फिलहाल लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ ने 9 अगस्त को होने वाली परीक्षा को मेरिट के आधार पर करने की डिमांड की है, पत्र लिखा है। अब ऐसे में देखना है कि 9 अगस्त को आपका पेपर होगा या नहीं। हालांकि एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है, सबके सेंटर भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं, ये आने वाला 9 अगस्त बताएगा। हालांकि आपको बता दें, आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त जैसे कि 4 दिन बाकी हैं, 4 दिन में हो सकता है अगर कोई डेट 8 को भी डिक्लेयर कर दी जा सकती है, डेट टाली भी जा सकती है।
फिलहाल आने वाला दिन ही बताएगा कि क्या बीएड की परीक्षाएं टाली जाएंगी या फिर एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो गाइज आपकी निगाहें तैयारी पर होनी चाहिए क्योंकि इस सिचुएशन में एग्ज़ाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो आप सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। चलते चलते एक बार फिर से आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप अगर ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हैं तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको किसी भी लेटेस्ट यूनिवर्सिटी की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट के जरिए या वीडियो के जरिए आपकी बात जरूर बताएंगे। तो आप सभी को आज भगवान राम के भूमि पूजन के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएँ, और आप सभी खुशियां मनाएं और अपने घर में दीपक जलाएं, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये लंबे अरसे के बाद भगवान राम की जो आज भूमि पूजन हो रही है मंदिर की, उसको लेकर के पूरे देश में हर्षोल्लास है। और आज अब लगभग भूमि पूजन स्टार्ट हो चुका है और मोदी जी उसका इनॉग्रेशन करेंगे। जी गाइज उसका उद्घाटन अर्थात भूमि पूजन के लेकर के मंदिर बनने का जो है इनॉग्रेशन आज करेंगे। तो आज सभी को भूमि पूजन के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई, ताकि आप आने वाले हमारे इस देश में भगवान राम की जो गौरवशाली गाथा है वो मंदिर के जरिए और गौरवान्वित होती रहे और पूरे विश्व में हिंदुस्तान एक उजागर होता रहे। तो गाइज आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए गाइडलाइन के साथ। जय श्री राम।